एक स्ट्रॉन्ग वुमेन स्पोर्ट्स में हमारी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा 4,000 to 5,000 कैलोरीज तो हमें चाहिए पर डे. मेंस का इट्स मोर देन 10,000 बिकॉज इट्स अ डिफरेंट लेवल है उनका. एंड मैं यूजुअली मैं बताती हूँ कि मैं लिफ्टिंग 10 साल से ज़्यादा हो गए मुझे मोर देन 10 ईयर्स. और मैं पहले वेट लिफ्टिंग करती थी, फिर पावर लिफ्टिंग, देन फिर स्ट्रॉन्ग वुमेन में मैंने पार्टिसिपेट किया इन गोवा इन 2018. तो वहाँ से मैंने कहा एक बार ट्राई करना चाहिए और इट्स अ डिफरेंट गेम एंड अच्छा है, थोड़ा डिफरेंट इवेंट होते हैं उसमें. तो मैंने पार्टिसिपेट किया एंड आई वॉन देयर. फ्रॉम वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई. देन आई वेंट टू आर्नोल्ड क्लासिक अफ्रीका, वहाँ मैं नॉविस स्ट्रॉन्ग वुमेन जीता. देन आई वेंट टू दुबई एंड देयर आई वॉन एमिरेट स्ट्रॉन्ग वुमेन. एंड सिंस देन मैंने फिर कभी वापस मुड़ के नहीं देखा किसी और गेम में. आई नो दिस इज़ मेंट फॉर मी एंड मैं इसमें और जितना दिलो जान से इसमें बहुत ज़्यादा अचीव करना चाहती हूँ. और आखिर चल ही रहा है, सब हो रहा है. मीन्स बाय गॉड ग्रेस स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है मेरी और ट्राइंग माई बेस्ट. लेट्स सी, दिन में मैं 20 eggs खा जाती हूँ. 20 अंडे चाहिए मुझे खाने के लिए. सो ये 12 eggs हैं. आई यूजली ईट 10 इन द मॉर्निंग एंड 10 इन द नाइट. होना चाहिए. रोज़ जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, हैवी वर्कआउट करते हैं. तो मैं यूजली 20 eggs दिन में खाती हूँ. मैं भारत की पहली वुमेन हूँ जिसने आर्नोल्ड क्लासिक नॉविस जीता 2018 में. आई एम ग्लैड दैट इस स्पोर्ट से लोग जितनी ज़्यादा वुमेंस इंस्पायर हों उतना अच्छा है. बिकॉज ये आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है. जब आप सोचते हैं कि आप इस गेम में हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, आप स्ट्रॉन्ग ही सोचते हैं हमेशा. आई होप आपको आज का मेरा थोड़ी सी बातें आपको अच्छी लगी हैं जो मैंने की हैं. एंड आप प्लीज़ कमेंट से मेंशन कीजिए आपको क्या कुछ क्वेश्चन पूछना है मेरे बारे में, इस स्पोर्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट्स में बताइए. एंड थैंक यू सो मच. आप देख सकते हैं दिस इज़ माई चार्ली. हाय चार्ली, से हेलो. अंडा खाना है? अंडा, शी सेइंग यस.